नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक की पहचान राम प्रकाश यादव उर्फ लल्ली के रूप में हुई है। गोली मारने वाले का नाम दीपक शर्मा बताया जाता है। शाम करीब 7 बजे आरोपी ने गोली मारकर हत्या की है। घटना स्थल सगरा थाना क्षेत्र के इटहा गांव के खरहरा नदी का है, जहां आरोपी ने 2 राउंड गोली चलाई है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। आरोपी ने किन कारणों के चलते गोली मारा है, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि गोली मारने वाला आरोपी आपराधिक किस्म का है, जबकि मृतक 2 बच्चों का बाप सीधा साधा युवक बताया जाता है। हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो रीवा से आ रही है, जहां सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक की पहचान राम प्रकाश यादव उर्फ लल्ली के रूप में हुई है। गोली मारने वाले का नाम दीपक शर्मा बताया जाता है। शाम करीब 7 बजे आरोपी ने गोली मारकर हत्या की है। घटना स्थल सगरा थाना क्षेत्र के इटहा गांव के खरहरा नदी का है, जहां आरोपी ने 2 राउंड गोली चलाई है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। आरोपी ने किन कारणों के चलते गोली मारा है, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि गोली मारने वाला आरोपी आपराधिक किस्म का है, जबकि मृतक 2 बच्चों का बाप सीधा साधा युवक बताया जाता है।